हेलो बच्चों, नमस्ते। आज हम सुनाएंगे चार सच्चे मित्र की कहानी। किसी समय एक विशाल पेड़ पर लघु पतनक नाम का कौवा रहता था। उसी पेड़ के क्वार्टर में रेणेक नामक एक चूहा भी रहता था। पास की एक झील में मंदारक नामक कछुआ भी रहता था। कौवा, चूहा और कछुआ आपस में अच्छे मित्र थे। एक दिन चित्रांग नामक हिरण दौड़ता हुआ उनके पास आया। वह घबराया हुआ था और उसकी सांस तेज तेज चल रही थी। उन तीनों मित्रों को मालूम हुआ कि वह हिरण किसी शिकारी से जान बचाकर भागा है। यह सुनकर कौवे ने उस पेड़ की चोटी पर जाकर देखा कि वह शिकारी दूसरी दिशा में जा रहा है। नीचे आकर वह हिरण से बोला, मैंने शिकारी को वापस जाते हुए देखा है, इसलिए तुम्हें और भागने की जरूरत नहीं है। हिरण ने राहत की सांस ली। वह उन मित्रों की मंडली में शामिल हो गया। अब हर रोज वे उस झील के किनारे मिलते और घंटों बातें करते थे। एक दिन वह हिरण उस मिलने वाली जगह पर नहीं आया। उसके दोस्त चिंता में पड़ गए। कौवे ने उड़कर थोड़ी दूर पर देखा कि उसका दोस्त हिरण एक शिकारी के फंदे में फंसा हुआ है। वे तीनों मित्र तुरंत ही वहां गए। चूहे ने उस जाल को अपने तेज दांतों से काटना शुरू किया। तभी वह शिकारी वहां आया। तब तक चूहा उस जाल को काट चुका था। सो हिरण जोर से भागा। उसके साथ ही कौवा और चूहा भी तेजी से भाग गए। लेकिन धीमे धीमे चलने वाला कछुआ शिकारी की पकड़ में आ गया। अब तीनों मित्रों की कछुए को बचाने की बारी थी। उन्होंने एक योजना बनाई और झील के किनारे उस शिकारी के आने की प्रतीक्षा करने लगे। हिरण ऐसा दिखाते हुए सो गया मानो मर गया हो। कौवा उसकी देह पर बैठकर ऐसा दिखाने लगा मानो वह उसकी आंखों निकाल रहा हो। यह देख शिकारी ने कछुए को नीचे रख दिया और हिरण के पास गया। तभी कछुआ तेजी से पानी में कूद गया। हिरण और चूहा भी भाग गए और कौवा उड़ गया। इसके बाद में चारों मित्र सुख से रहने लगे। धन्यवाद बच्चों, कहानी अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। आगे से बहुत अच्छी कहानी बनाने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद।